दिन भीगेगा मालवा निमार, इंदौर उज्जैन संभाग में ओले गिरेंगे। 27 नवंबर को भोपाल नर्मदापुरम में बारिश के आसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। देखिए मौसम अपडेट। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ यानी इंदौर उज्जैन संभाग अगले तीन दिन यानी 25, 26 और 27 नवंबर को भीग सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और चक्रवात की वजह से प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरेगा। इंदौर उज्जैन संभाग में ओले गिरने का भी अनुमान है, जबकि भोपाल नर्मदापुरम में 27 नवंबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले तीन दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। 6 जिले झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और धार में ऑरेंज अलर्ट है। 26 नवंबर को इंदौर उज्जैन समेत कुल 18 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के फोरकास्ट इंचार्ज डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि ईरान अफगानिस्तान के आसपास वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है, वहीं चक्रवाती घेरा और अन्य सिस्टम भी एक्टिव है। इस कारण 25 नवंबर से प्रदेश में मौसम बदल जाएगा, जो 27 नवंबर तक बदला रहेगा। इस दौरान प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवा चलेगी और ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर की रही। शुक्रवार रात का पारा 9.4 डिग्री दर्ज हुआ। दतिया में 9.6 रिकॉर्ड हुआ। पंचमढ़ी में 10.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। सबसे ज्यादा इंदौर में 17.5 तापमान रिकॉर्ड हुआ। अगले तीन दिन ऐसा ही मौसम। 25 नवंबर को इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा और बुरहानपुर में बारिश होने का अनुमान है। वहीं रतलाम, देवास, उज्जैन में बादल छाएंगे। 26 नवंबर को इंदौर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, उज्जैन, सीहोर, हरदा, विदिशा और नर्मदापुरम में बिजली चमकने के साथ बारिश भी हो सकती है। 27 नवंबर को भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में हल्की बारिश होगी। भोपाल में दो दिन बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी भोपाल में दो दिन बारिश होने का अनुमान जताया है। शनिवार को बादल छा सकते हैं, जबकि रविवार को गरज चमक के साथ तेज या हल्की बारिश हो सकती है। 27 नवंबर को शहरी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। 28 नवंबर को बारिश का दौर तो थमेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे। मौसम से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज।